पर उस सोसाइटी और माहौल का इतना असर होगा कि माज़ अल्लाह वो सहाबा पर तान भी करना शुरू कर देंगे और तंज करेंगे। सच किसी ने कहा ना कि जैसी महफिल वैसी तस्वीर, चंगियां दे लड़ लगियां मेरी झोली फुल पे तो मंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। यही वजह थी कि आले सुन्नत ने इरफान शाह साहब से नाराज़गी का इजहार किया कि आप जिस माहौल के अंदर चले गए वो माहौल ठीक नहीं है, यह आपको ख़राब करेगा, बड़ी दूर तक पहुँच जाएंगे। आपने देख लिया कि शाह साहब यहाँ तक पहुँच गए थोड़े से अरसा में कि उन लोगों को राज़ी करने के लिए और उनके अंदर बैठ बैठ के बातें सुन सुन के यहाँ तक पहुँच गए कि आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जलील कदर सहाबी का जिक्र करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे छोटे बच्चे को बंदा नाराज़ होता है उससे मुखातब होता है कि तुझे किसने बुलाया, तू वैसे ही बोल रहा है। शाह साहब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को ये सिखा रहे हैं जो रसूलल्लाह के सहाबी हैं, जो दीन आगे पहुँचा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। शाह साहब कहते हैं कि आपको किसने बुलाया भाई? कुरैशी ने एक दफ़ा कहा था कि ये वही इरफान शाह है, जलालुद्दीन शाह का बेटा है, जिसे तुम शहनशाह कहते थे, शेर कहते थे। तब्दीली सिर्फ यह आई कि पहले सहाबा का दिफा करता था, अब ये आले बैत। लेकिन ये मकर है, फरार था कुरैशी का। आले सुन्नत माज़ अल्लाह इस वजह से शाह साहब से नाराज़ नहीं हुए, इस वजह से हुए कि शाह साहब जिन पे आपके फतवे थे, जो आपकी नज़र में गुमराह थे, आज आप उनके साथ बैठ गए बगैर तोबा रजू करवाए उनसे, और ये लोग आपको दूर तक पहुंचाएंगे और यहां तक इन्होंने पहुंचा दिया शाह साहब को, ये खतरा था। वरना अहले सुन्नत ही अहले बैत का मकाम जानते हैं और सहाबा का मकाम, और इमाम अहले सुन्नत के जो गुलाम है वही आलो साहब का दिफा करना जानते हैं। अब देख लें कि कितना असर हुआ शाह साहब पे। आप सहाबी रसूल का इंतहाई घटिया अंदाज और गुस्ताखाना लहजे के अंदर जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं जी लाख सहाबा है, आपको किसने बुलाया है, आपसे पूछा किसने है। आगे फिर जनाब वो बड़ा तनसिया अंदाज अपना के, लहजा अपना के कि हम कहते थे, हम तरतीब देते थे। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ अल्लाह नाउज़बिल्लाह। मैं ये पूछता हूं कि भाई सहाबा किराम तो एक लाख है और उसे नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भाई आपसे पूछा किसने? शाह साहब आपके की बारगाह में एक कौल पेश करते हैं अबू ज़र्रा राज़ी रहमतुल्लाह का अले सहाबा से, और दावते फिक्र देते हैं कि आप अभी भी लौट आए वापस और ये इस अंदाज पे आप रहे तो खातिमा बड़ा अजीब होगा। अबू ज़र्रा राज़ी क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर क्यों बोले हैं, किसने बुलाया, आप वहाँ पास तो थे नहीं कि किसी ने पूछा नहीं, अपने से कह रहे हैं, ना भी को पूछता तो ये मसला वो था जिसको अब्दुल्ला बिन उमर बयान कर रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर 3698 नंबर है हदीस मुबारक का, कुन्ना फी ज़मान नबी ला ना दिलो बी अबी बकर अहदन सुमा उमर सुमा उस्माना, कि हम रसूलल्लाह के दौर के अंदर भी अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी को नहीं जानते थे, फिर उमर के बराबर, फिर उस्मान के बराबर। अब ये कुन्ना है, कुन तो नहीं है कि मैं सिर्फ, कुन्ना कि हम सब, ये कुन्ना के अंदर इजमा साहबा का इत्तेफाक है, ये अकेले अब्दुल्ला बिन उमर की बात नहीं है। आप उन्हें माजल्ला आपने अंदर का जो गुस्सा है भड़ास निकाल दिया अब्दुल्ला बिन उमर पे, और जिस बात पे आप नाराज हो रहे हैं मौला अली तो कोड़े मार रहे हैं, मौला अली शेर खुदा तो कोड़े मार रहे हैं कि जो मुझे अबू बकर उमर से बढ़ाए मैं कोड़े मारूंगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर सिर्फ बात कर रहे हैं तो आप जनाब उनको माजल्ला उनसे नाराज हो रहे हैं, उनका जुर्म साबित कर रहे हैं, उन्होंने जुर्म कर दिया। ये सुनिए अबू ज़र्रा राज़ी क्या फरमाते हैं, काला इज़ा रायतर राजुला यंग तक सुहादा मिन सहाबी रसूलुल्लाह, किसी बंदे को देखो जो साबी किसी साबी पे तान कर रहा है, नक्स निकाल रहा है, फालम अन्नहु ज़िंदीक, जान लो ये ज़िंदीक है, वज़ालिका अन्न रसूल हक्कुन वल कुरान हक्कुन व मा जा बिही हक्कुन, इस वजह से कि हमारा रसूल हक, हमारा कुरान हक, जो रसूल लेके वो हक, व इन्नमा अद्दा इलैना ज़ालिका कुल्लहु सहाबतु, लेकिन ये सारा कुछ हमें साहबा ने पहुंचाया है, साहबा की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी आगे पहुंचाते, आप क्यों नाराज हो रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर से। और आगे फरमाते हैं कि जो बंदा किसी साहबी पे तान करता है, हाउला युरीदुना युजर्रहु शुहूदाना लियुबतिलुल किताब वसुन्नता, जो किसी साहबी पे तान करता है वो हमारे दीन को मशकूक करना चाहता है, हमारे गवाहों को मशकूक करके उनके अंदर नक्श पैदा करके वो हमारी किताब और सुन्नत को बातिल करना चाहता है, वल जरह औला बिहिम,
और ये लोग खुद ज्यादा जरा के लायक हैं कि इनको मशकूक कहा जाए, इनको गलत कहा जाए। अबू ज़र्रा राजी फरमा रहे हैं, वहम जनाद का ये जिंदीक है, शाह साहब साहबा पे तान करने वाला कौन है? अबू ज़र्रा राजी क्या फरमा रहे हैं, आप क्यों नहीं डरते? खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है वापस लौट आए। इस माहौल ने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, अपनी आखिरत की फिक्र करें, बूढ़े हो गए हैं, इस तरह के नुक्ते बयान ना किया करें। ये दाद लेने के लिए इन चंद लोगों से, आप खुद अपनी अदाओं में जरा गौर करें। हमने कुछ अर्ज की तो शिकायत होगी, अपनी ये गुफ्तगू सारी सुने, आपने शुरू कहां से की और खत्म कहां पे हुई? आपने कहा मैं सवाल कर रहा हूं और कहते हैं कि मैं कायल हूं अफजलियत सिद्दीक, लेकिन हजरत अली की वजह से। ठीक है जी, अब हजरत अली किस वजह से कायल है? शाह साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ शराफत का इजहार कर रहे थे, यानी हजरत अली का अकीदा नहीं था, या असलियत ये नहीं थी, हकीकत ये नहीं थी जो हजरत अली बयान कर रहे हैं। ये वैसे कह रहे थे कि जो बंदा गुजर जाए तो बाद में बंदा फिर क्या कहे, यानी ये मजबूरी थी हजरत अली की। ये मकाम है आपकी बारगाह में हजरत अली का, आप लोगों के हाँ ये मकाम है हजरत अली का, आपने हजरत अली को भी नहीं बख्शा के माज अल्लाह। ओ भाई, अली उमल कुरान वल कुरान उमा अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये हजरत अली सिर्फ शराफत की बिना पर, आजी की बिना पे नहीं कह रहे, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं। कुरान कहता है वासा युजन्नबुहल अतका, ये कौन है अतका? ये अली वो अकीदा कुरान वाला बयान कर रहे हैं, सिर्फ आजी का इजहार नहीं कर रहे। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़म दरजा, ये कौन है सबसे जिनके दर्जे बुलंद है, उनमें से सबसे टॉप पे कौन सी शख्सियत है? वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। आप कहते हैं नहीं, वो शराफत की बिना पे कह रहे थे, अपने बेटे को क्या सिखाते, आजी ना सिखाते, क्या सिखाते? आला हज़रत ने कहा ना कि जो तफसीली हैं उनकी अलामत होती है कि खुद को सुन्नी भी कहना चाहते हैं और जुबानी कहते हैं हम अफजलियत के कायल भी हैं, लेकिन बातें ऐसी करेंगे, कहेंगे नहीं अफजलियत का वो माना नहीं जो तुम कर रहे हो। अब देख ले आप खुद आला हज़रत की वो मतलब कमरैन जो है उसके अंदर अपना नक्शा देख लें, आप भी उस डगर पे चल निकले हैं। तो कहते हैं कि माजअल्लाह हज़रत अली सिर्फ आजी का इजहार कर रहे हैं, फिर खुद ही खतरा हुआ शाह साहब को। तो कहते हैं जी ये सिर्फ शराफत की बात नहीं, वो अली अली है। तो फिर जनाब आपको इतनी लंबी बात करने की, चूंकि चुनाचे करने की क्या जरूरत है? अगर अली अल-मुर्तज़ा ने सिर्फ आजी की बिना पर नहीं कहा, आपने खुद अपना रद्द भी कर दिया, तो आप ये भी कहते हैं कि मैं अली की वजह से मानता हूं, तो फिर आपको जनाब आगे जो आपने नई एक मंतक और फलसफा छेड़ा जिसका ना कोई सर है ना पांव है, क्या जरूरत थी आपको? फिर आगे बड़ा हम नुक्ता बयान करते हैं दाद लेने के लिए। कहते हैं कि अली मुर्तजा से क्यों पूछा जाता था? ओ भाई, अली मुर्तजा शेर खुदा से इसलिए पूछा जाता था कि उनके नाम पर मजहब चलाया जा रहा था, गढ़ा जा रहा था, हजरत अली को अफजल कहा जा रहा था। सिर्फ पूछा नहीं जाता था, जब हजरत अली को खबर मिलती थी मुझे को बढ़ाता, उस वक्त भी आप ऐलान करते थे खबरदार। और कई दफा ऐसा हुआ, आप लिसानुल मिज़ान पढ़ के देख रहे हो, जहां अब्दुल्ला बिन सबा का जिक्र है कि मौला अली शेर खुदा को जब खबर पहुंची मुझे को बढ़ाता है तो आप मिंबर पे बैठ गए, आपने शाने भी बयान की अबू बकर उमर की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और फिर आखिर में यह भी कहा कि ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। आप तो बार बार ये कहते थे, आप तो डंडे मार रहे हैं, और आप अब्दुल्ला बिन उमर से इस वजह से नाराज हो रहे हैं कि वो ये अकीदा बयान क्यों कर रहे हैं। और अलामा अब्दुल अजीज पर हारवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक कहा कि ये वो मसला है अफजलियत वाला कि जिस पर मदार है राफजियत का, अगर राफजियत को गिराना चाहते हो तो इस मसले को आम करो, याजिब अलल उलमाई अल एहतमाम बे मसलतल अफदलियत, उलमा वाजिब इस सिर्फ एहतमाम करना वाजिब करार दे रहे हैं, तो ये अकीदा रखना ये कितना वाजिब है। तो फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ नाराज होने का तो मकसद नहीं, फिर आप कुन्ना के साथ कह रहे हैं कि हम सब का ये नजरिया था कि हम किसी को भी अबू बकर के बराबर रसूलुल्लाह के दौर में भी नहीं समझा करते थे। फिर आखिर में शाह साहब ने जो असल जो मकसद था शाह साहब का वो आपने उगल दिया और कहते हैं तुम सीधे रहो, और अगर अली ने शराफत से काम लिया कि जो चले गए उनको अफजल कहते रहे, तो तुम क्यों नहीं 15वीं सदी के अंदर अली को अफजल कहते? वाह क्या मंतक है और क्या फलसफा है कि जब सदियां आगे जाएंगी बदलेंगी तो अकीदा भी बदल जाएगा, तो फिर जब इमामादी आएंगे तो ये अकीदा हो जाएगा कि इमामादी अफजल है। फिर यही हुआ 15वीं सदी के अंदर, अगर ये अकीदा अपनाना जरूरी है बकौल शाह साहब के, जबकि अहले सुन्नत का ये अकीदा क़यामत तक के लिए है, 14वीं सदी तक नहीं या दूसरी तीसरी सदी तक नहीं है, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा के दौर तक नहीं है, ये क़यामत तक का अकीदा है। अली मुर्तज़ा जब अपने पहलों की बड़ाई मानते हैं
तो तुम 15वीं सदी में पैदा होकर सिर्फ ये कौल नकल करते रहते हो कि वो अपने पैरों को बड़ा मानते हैं, और 15 सदियों में अली के बाद कोई अली जैसा है तो फिर सीधे मरो, तुम भी तो अली की अफजलियत को तस्लीम करो उम्मत पर। और आगे कहते हैं कि उम्मत अली के साथ क्या कर रही है। अब ये शाह साहब बताएंगे कि उम्मत क्या कर रही है, इससे मुराद कौन सी उम्मत है और उन्होंने क्या किया अली के साथ, ये शाह साहब इसकी वजाहत करेंगे। वो अपने ड्यूटी सही दे गए, उनको जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया, जो उम्मत अली के साथ कर रही है वो नहीं करना चाहिए। यही मतलब हुआ ना कि उम्मत को चाहिए था अली को अफजल कहती, लेकिन वो आज भी अबू बकर को अफजल कह रही है। और भाई जब कुरान क़यामत तक है तो ये अकीदा भी क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा, जब तक कुरान के अंदर वासा युजन्नब हल अतखा रहेगा और अल्लाह करीम इसके अल्फाज को आसमानों पे नहीं उठाएगा, तो यह इस्लाम का यही अकीदा रहेगा, बदलेगा नहीं। ये और होते हैं जिनके अकीदे सदियों के साथ या सोसाइटी के साथ या माहौल के साथ बदल जाते हैं, जो अहले सुन्नत हैं जिन पर अल्लाह ताला का फजल करम है उनका अकीदा क़यामत तक इंशाल्लाह ताला वही रहेगा।